This news sponsored by Me Media and Web Solutions Private Limited. Contact us for live streaming on news portal, website, YouTube channel and Facebook. Also, we deal in online promotion, SEO, e-business, web server and all type of audio video making. Call now 9999042768. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिडडे न्यूज का। और मिडडे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है, काशी में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनाना जनता का काम है और सरकार चलाना हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मैंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। यूपी के पीलीभीत से भाजपा के उम्मीदवार वरुण गांधी ने इस चुनाव को पहले से ज्यादा आसान बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसा कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है जिसके सहारे लहर पैदा कर सके। मौजूदा लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पूरे देश में 3/4 बहुमत के साथ चुनाव में जीत हासिल करने का दावा करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि इस समय देश में प्रो इनकम्बेंसी लहर चल रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वाराणसी के लोगों को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि बनारस के लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लोग अपने सांसद चुन रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सन्यासियों और कवियों की भूमि रही काशी में खुद को फकीर बताते हुए कहा कि यह फकीर भी अब काशी के फक्कड़पन में रम गया है। 13,400 करोड़ रुपए पीएनबी घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी की रिमांड पर आज लंदन की कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि फिलहाल नीरव के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है और वह दक्षिण पश्चिम लंदन की वेस्ट स्वर्थ जेल में बंद है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर अपने घोषणा पत्र में कभी पूरे नहीं किए जा सकने वाले वादे को लेकर मॉडल कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ ही गोरखपुर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भी शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी की चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व के साथ आपसी सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने यह फैसला किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती के मथौली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो 55 साल में नहीं किया मोदी ने वह 5 साल में कर दिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास के लिए प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना होगा। अभिनेत्री से राजनेता बनी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर ने अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन पत्रों के साथ दाखिल अपने हलफनामे में चंडीगढ़ से सांसद किरण ने अपनी संपत्ति 30.88 करोड़ रुपए बताई है, जो उनके पति अनुपम खेर से करीब दोगुनी अधिक है। शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान देने के बाद भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्हें उग्रवादी करार दिया है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। चंद्रमा में पहुंचने की इजराइल की नाकाम हुई कोशिश को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन की लॉन्चिंग को जुलाई तक टाल दिया है। इससे पहले अप्रैल 2018 में इसके लॉन्च का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में स्थगित कर दिया गया था। दिल्ली NCR में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है और बीते कुछ दिनों की तेज धूप और गर्मी के बाद NCR के हापुड़ में ओलावृष्टि हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में पहली अशोभनीय घटना हुई है, जिसमें पलामू जिले के संवेदनशील इलाके में प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय को उड़ा दिया है। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपके लिए पूरी 10 नई वैकेंसीज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और उस पर अमल कीजिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई एक नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पदों की संख्या 5,000 है, पद का नाम है गंगमैन। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 मई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की हो। आवेदक की आयु 18 से 40 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 15,000 से 21,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.tengedco.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, अगर आप TNEB नहीं जाना चाहते तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी इन्फॉर्मेशन लाए हैं। इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है सत्यावड़ी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल दिल्ली में। यहाँ पदों की संख्या 30 है। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 29 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 28 से 40 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग पंजीकृत। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 60,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.srhc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, आप HAL ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 826 है। पद का नाम है अप्रेंटिस ट्रेनी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 15 मई 2019। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार ITI पास होना चाहिए। मासिक आय 25,000 से 30,200 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक hal-india.co.in/hindi/ पर जाकर ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो आप एम्स ऋषिकेश ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसने भी भर्ती निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 4,102 है। पद का नाम है ग्रुप A, B and C। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 4 जून 2019। आवेदक की आयु 23 से 40 होनी चाहिए और आवश्यक योग्यता है 3 साल के अनुभव के साथ MCI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी क्लिनिकल विशेषता में MD, MHA या MD, MS। पे स्केल 45,650। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक aims-rishikesh.edu.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि ये नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 72 है। पद का नाम है नर्स। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 1 मई 2019। आवश्यक योग्यता है साइंसेज विषय में 12वीं पास और 5 साल के अनुभव के साथ ANM कोर्स। आवेदक की आयु 23 से 40 होनी चाहिए। पे स्केल 36,100 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.sgpgi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप SGPGI में नहीं जाना चाहते हैं तो आप एयरफोर्स स्कूल में आवेदन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 10 है। पद का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2019 और आवश्यक योग्यता है ग्रेजुएट। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 27,500 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.indianairforce.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगा तो आप JNU ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या 9 है। पद का नाम है प्रोफेसर्स असिस्टेंट। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 1 मई 2019। आवश्यक योग्यता है PhD। आवेदक की आयु 24 से 50 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से लेकर 62,400 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.jnu.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 5 है। पद का नाम है मैनेजर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 17 मई 2019। आवश्यक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स साइट। आवेदक की आयु 30 से 50 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से 65,500 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.nhai.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 13 है। पद का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 21 मई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए और उसकी आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 55,000 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.dot.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो आप दिल्ली हाईकोर्ट ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 53 है। पद का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 23 मई 2019। आवश्यक योग्यता है LLB। आवेदक की आयु 25 से 55 होनी चाहिए। पे स्केल 61,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.dellihighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
तो ये थी मिडडे की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।